कंपनियां जो आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करवा सकती हैं, तो आप यहां से जाकर डालेंगे आधार सेंटर, इन कंपनियों के थ्रू आप चेक कर सकते हैं प्रोवाइड करवाते हैं या फिर बैंक का भी देखने के लिए मिल जाएगा। जहां से आपको इस शॉप पे क्लिक करेंगे, ऑल रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी आपके रजिस्टर रहेंगे सभी की लिस्ट सर्विस देते हैं, आधार बैंक ऑफिस एंड देख सकते हैं, डाटा वैलिडेशन का अपडेट देते हैं, आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आप आधार सेंटर ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड है और क्या क्या सर्टिफिकेट आपके पास है, आपका प्लेस कितना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से टाइप करेंगे एंड सेंड मैसेज पे। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं आधार सेंटर में सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना रहता है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इस पर मैंने डिटेल में प्रोसेस बना के वीडियो में अपलोड किया हूँ। इस तरीके से आपको थंबनेल मिलेगा, जाके वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया था HTML eKYC से लेकर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कितना चार्ज पे करना रहता है, सेंटर को कैसे सेलेक्ट करना है। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब फिर जब आपके पास आधार सेंटर का सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपको आधार सेंटर ओपन करने के लिए आवेदन करना रहता है। जैसा कि आपको मालूम है आज की डेट में आपके पास सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल जाना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके द्वारा आप आधार सेंटर नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप किसी अच्छी कंपनी से टाई अप करके आधार सेंटर की परमिशन नहीं मिल जाती है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको कुछ कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो कि ट्रस्टेड कंपनियां हैं, जहां से मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये कंपनियां कितने सारे आधार सेंटर को ओपन करवा चुकी हैं। तो इन कंपनियों में आप आवेदन कैसे करेंगे, इनसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे और जल्द से जल्द अपने आधार सेंटर ओपन करने के लिए आवेदन कैसे करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। आधार सेंटर के लिए फ्रेंड आप घर बैठे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इससे पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं आप किसी भी कंपनी के थ्रू या फिर किसी भी रजिस्ट्रार के थ्रू आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे मैंने फ्रेंड आपके पास यहां से देख सकते हैं UIDAI के जो NSIT का एग्जाम होता है वो आप एग्जाम क्रैक करना चाहिए, इसके पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट का सैंपल आप यहां से देख सकते हैं, यहां से आपको यहीं से पता चल जाता है आपके पास ऑपरेटर सर्टिफिकेट है या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है। अगर फिर आपको अप्लाई करना नहीं आता, कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे जिससे आपको आधार का सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल जाए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा फिर इसमें कुछ डिवाइसेस होती हैं जैसे फिंगर डिवाइस, आयरिस डिवाइस होता है, कैमरा इसका होता है, फोटो क्लिक करने वाला, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाती है और ये मशीनें भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप आधार सेंटर ओपन करते हैं, तो जिनमें आयरिस स्कैनर भी आ जाता है। तो फिर ये दो चीजें आपके पास मोस्टली है, यहाँ से देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट, दूसरा ये सभी आप देख सकते डिवाइसेस, और तीसरा चीज है फिर यहाँ से इनके द्वारा कुछ सिक्योरिटी भी जमा करा जाता है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग होता है, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, तो जिस कंपनी के थ्रू लेंगे आप उस हिसाब से। इसके बाद हम बात करें तो कौन कौन सी कंपनियां जो आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करवा सकती हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं बाय रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनियां हैं सभी की लिस्ट आपको यहां से देखने के लिए मिल जाती है, जहां से आधार जनरेशन प्रोग्रेस इन रजिस्टर्ड, यानी कहने का मतलब आप यहां से जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है सभी देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा CSE e-governance यहां से आधार सेंटर प्रोवाइड करवाता है। फिर सेकंड नंबर में आता है यहाँ से रजिस्टर्ड जनरल इंडिया Bell2, और इसके बाद थर्ड नंबर में आता है यूनियन बैंक। अगर फ्रेंड आपको चेक करना है कि ये सेंटर प्रोवाइड करवाती हैं नहीं करवाती हैं, इसे भी आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टेट में, जैसे आप यहां से जाकर डालेंगे आधार सेंटर, इन कंपनियों के थ्रू आप चेक कर सकते हैं प्रोवाइड करवाते हैं या फिर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। अब जैसे कि फिर यहाँ से इनरोलमेंट सेंटर रहेगा जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये किस रजिस्ट्रार के द्वारा है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा है। इसके अलावा यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक अपना आधार सेंटर प्रोवाइड करवाया हुआ है, लास्ट 30 डे में कितने इनरोलमेंट हुए हैं और अपडेट कितने हुए वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, इन्होंने लास्ट अपडेट कब किया यहाँ से भी देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड जो कि 653 प्रोवाइड करवाता है, इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो यहीं से आएंगे तो आपको पंजाब नेशनल बैंक का भी देखने के लिए मिल जाएगा। जहां से आपको इस शॉप पे क्लिक करेंगे, ऑल रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी आपके रजिस्टर्ड रहेंगे सभी की लिस्ट यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी और यहीं से आके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर अपने सर्च के द्वारा कर सकते हैं, स्टेट के द्वारा भी और एनरोलमेंट एजेंसियां के द्वारा भी आप इसे सर्च कर सकते हैं, जिनमें ऑल एजेंसी पे क्लिक करेंगे तो सभी एजेंसी की यहां से लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहीं से आप देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, फिर नहीं जैसे पंजाब नेशनल बैंक अगर आप सर्च करना चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा पंजाब नेशनल बैंक यहां से प्रोवाइड करवाता है या फिर नहीं करवाता। और अगर हम बात करें आधार सेंटर को लेकर, यहां से नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आंध्रा बैंक का भी मिल जाता है, ये भी रजिस्टर्ड है, यहां से इंडिया पोस्ट भी यहां से अपना देख सकते हैं ओपन करवाया हुआ है आधार सेंटर।
इंडिया पोस्ट के द्वारा भी है फ्रेंड, इंडिया पोस्ट भी यहाँ से आधार सेंटर प्रोवाइड करवा रहा है, उससे भी आप यहाँ से जाके ओपन, यानी फ्रेंड जितने भी यहाँ से आधार सेंटर ओपन होते हैं रजिस्टर के द्वारा आप जैसे देख सकते हैं सभी रजिस्टर्ड की लिस्ट आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। आप इनमें से आके थ्रू किसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कर सकते हैं, यहाँ से बिजनेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड को मिल जाता है, केनरा बैंक आईटी है, आईपीपीबी यूपी है, ये सभी के थ्रू आप यहाँ से अप्लाई कैसे करना फ्रेंड। जैसे अगर मान लीजिए आप कर्वी डाटा मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से आके गूगल में टाइप करेंगे कर्वी डाटा मैनेजमेंट, जैसे फ्रेंड आप कर्वी डाटा मैनेजमेंट टाइप करेंगे तो यहीं से आ जाएगा, आप यहीं से आके इसके भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके होम में साइड में आ जाएंगे ऑफिशियल साइड में, ऑफिशियल साइड में आने के बाद फिर यहीं से आप टाइप कर सकते हैं कर्वी डाटा मैनेजमेंट में आधार सेंटर ओपन करने के लिए। अगर फ्रेंड आप यहां देखना चाहते हैं कि आधार सेंटर प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं, आपको यहां से आ जाना है और सर्विस में गवर्नमेंट में आएंगे फ्रेंड, तो यहां नीचे आएंगे तो देख सकते हैं इन्होंने सर्विस एरिया क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहां से देख सकते हैं आधार इनरोलमेंट अपडेट सर्विस देते हैं, आधार परमानेंट इनरोलमेंट सर्विस देते हैं, आधार बैक ऑफिस एंड देख सकते हैं डाटा वैलिडेशन का अपडेट देते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन एवं ईकेवाईसी की सर्विस ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, आधार सीडिंग है, आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सर्विस ये प्रोवाइड करवाते हैं, यानी फ्रेंड जो आप यहां से देख सकते हैं कहीं कहीं अटेंडेंस बायोमेट्रिक भी रहती है, ये आधार सेवा केंद्र भी प्रोवाइड करवाते हैं फिर जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और सी के वाई सी और के आर ए की इसकी भी सर्विस ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहीं से आके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहीं से एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्ट एज का, आपको सिंपली कॉन्टेक्ट एज पे आना है, जहां से आपको अपना यहाँ से नाम डालना है, अपना ई मेल आई डी देना है, फोन नंबर देना है, सब्जेक्ट में आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं, जैसे आधार से ओपन आधार सेंटर भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। कंपनी मिल जाती है फिर तो आपको कंपनी में यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जो भी है, जैसे यहाँ से केडीएम सर्विस में करना चाहते हैं सेलेक्ट सर्विस, आप गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट करेंगे, पर्पस क्या है फ्रेंड, आप रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं फिर फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप यहां से रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहां से आप टाइप करेंगे आई वांट टू ओपन आधार सेवा केंद्र, और यहां से आपको फिल करना है क्या क्या चीजें आपके पास है, आप सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो भी रहेगा सारी चीजें फिल करेंगे, इसके बाद इस कैप्चा को यहां फिल करेंगे, सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपका इसमें यहां से सेंड हो जाएगा। इसके अलावा फिर इनका टोल फ्री नंबर भी दिया गया, जिनमें दो टोल फ्री नंबर हैं, आप इनसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, इनकी हेड ऑफिस तेलंगाना में है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, फैक्स नंबर भी यहां से आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार फिर एक कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, और काफी सारी कंपनियां जिनमें देख सकते हैं स्वाति स्मार्ट कार्ड हाईटेक है, आप इसमें भी आके अप्लाई जैसे फ्रेंड स्वाति स्मार्ट कार्ड हाईटेक की ऑफिशियल साइट में आ जाएंगे, जिसका लिंक आपको swati.co.in इसकी ऑफिशियल साइट है, यहां से आएंगे फ्रेंड तो यहां से भी सर्विस में आएंगे तो यूआईडी बेस्ड यहां से एनपीआर की सर्विस मिल जाती है, आप इसमें आएंगे तो यहां से देख सकते हैं बताया जाएगा, जिनमें द यूनिया से यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेट ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई के इन्होंने एम्बिशन किया है फ्लेक्सिप, जिनमें जीआईओ के द्वारा यहां से देख सकते हैं फरवरी 2009 से आधार सेंटर प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि क्या करते हैं पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड द हाइडी डेवी एंड मिस्टर यहां से नंदन केसरी, इनके द्वारा ये चालू करवाया गया है, जो कि कमीशन बेस में ये काम करते हैं, कितने चीजें अचीवमेंट हो चुका है सारी चीजें यहां से देख सकते हैं बताई गई है, क्या प्रोसेस है फ्रेंड इसको भी आके देख सकते हैं, जिन्होंने बताया कितने लोगों ने अभी तक इसमें आधार सेंटर को ओपन कर लिया गया है, यहां सीवाईडीआई के द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहां से बताई गई, आप इसे आके रीड कर सकते हैं। इसमें भी फ्रेंड अप्लाई करने के लिए यहीं से एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्ट एज का, आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, जहां से आपको नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और आपको अपना यहां से एसएमएस टाइप करना, जो एसएमएस आप यहां से टाइप कर सकते हैं, आप आधार सेंटर ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट आपके पास है, आपका प्लेस कितना है, ये सारी चीजें आप यहां से टाइप करेंगे एंड सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार इस कंपनी से भी आके अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सी कंपनियां देख सकते हैं जिनमें तारा सॉफ्टवेयर एलटीडी है, आप यहां से भी तेरा सॉफ्टवेयर एलटीडी में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें आप यहां से तेरा सॉफ्टवेयर करेंगे फिर तो आपके सामने तेरा सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल साइट आ जाएगी, यहीं से आके अप्लाई भी कर सकते हैं। यहीं से फ्रेंड आप देख सकते हैं लिस्ट में काफी सारे बैंकों का भी यहां से नाम मिल जाता है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट आईटी है, यहां से एक्सिस बैंक एलटीडी है, कोटक महिंद्रा बैंक मिल जाता है आपको फ्रेंड, यहीं से पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, भारत टेलीकॉम सॉल्यूशन के द्वारा आप ओपन कर सकते हैं, काफी सारे रजिस्टर्ड कंपनियां मिल जाती है फ्रेंड, जो भी आपके नियरेस्ट हो जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो उनमें आके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा भी आधार सेंटर प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसका प्रोसेस मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। आईपीपीबी के द्वारा भी ये सेंटर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो ये फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ से 10 से ज्यादा आपको एजेंसियां की लिस्ट मिल जाती है, जहाँ से आपके अप्लाई आप कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, जो भी आपके दिल्ली का यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है यानी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, आप उससे संपर्क जरूर कर लें आधार सेंटर ओपन करवाने के लिए। तो ये कंपनियां फ्रेंड आपको अप्लाई कैसे करना इसका मैंने डिटेल में वीडियो इस प्रोसेस में दिखाया, आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, मन में कोई सवाल हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड यहीं से और भी लिस्ट मिल जाती है, जिनमें देख सकते हैं आप स्टेट वाइज भी देख सकते हैं,
या हम OUS जैसे आप टाइप करेंगे आधार इस साइड में आ जाएंगे और यहाँ से नॉन स्टेट भी जितनी भी कंपनियां हैं उनकी भी लिस्ट आप यहाँ से आके देख सकती है। सभी भी आधार सेंटर प्रोवाइड करवाते हैं जिनमें सभी बैंकों के नाम भी यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।